फिर आप ADAG के शेयर्स देखिए, इसके अंदर काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम वापस बनने लगा है। आज डिफेंस के नंबर्स, लेकिन उससे ठीक पहले सभी ADAG के शेयर्स चल रहे हैं। रिलायंस कैपिटल के अंदर सडन स्पाइक 620 के ऊपर आ चुका है। डिफेंस 1% ऊपर जिसके नंबर्स हैं आज। इंफ्रा भी अच्छा खासा चल रहा है, 1.5% का गेन ये भी ले चुका है। मानस, एक बार रिलायंस कैपिटल का आप चार्ट देखिए, 620 के ना ऊपर वापस आ गया है ये। एक बार आप पहले भी कह रहे थे इसको थोड़ा होल्ड करना चाहिए, अब मैं इसमें स्टॉप लॉस क्या रखूँ अगर मैं होल्ड वापस करना चाहूँ तो? क्योंकि संजीव की बात भी ठीक है अपनी जगह पे, अर्निंग्स में अगर कहीं भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ ना तो मार्केट थोड़ा करेक्ट भी हो सकता है। तो मेरे को स्टॉप लॉस के साथ रिलायंस कैपिटल क्या बनेगा स्टॉप लॉस और क्या बनेगा टारगेट? देखिए, हर नज़रिए से, चाहे वो शॉर्ट टर्म नज़रिया हो या लॉन्ग टर्म नज़रिया हो, रिलायंस कैपिटल एक बेहतरीन स्टॉक है चार्ट्स पे, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लियर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बट फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा सा लंबा समय ले, अगर 3 to 6 months का टाइम फ्रेम ले, तो आप उम्मीद करिए कि 710 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। और बिल्कुल करेंट लेवल्स पे स्टॉक पे खरीदारी करनी चाहिए और स्टॉप लॉसेज 590 के नीचे रखने चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार गोवा कार्बन भी देख लेते हैं क्योंकि इसके नतीजे भी आने वाले हैं। उससे पहले इस स्टॉक में आप स्पाइक देखिए, 6% के तगड़े रिटर्न आज के सत्र में देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कौन से ट्रेड्स हैं जहां पर आपको फोकस करना है, जो आज खरीदेंगे कल बेचने का मौका मिलेगा? साक्षी मेरे सहयोगी इसमें से मौजूद हैं। साक्षी बताएं, BTST कॉल्स कौन सी हैं आज? जी बिल्कुल, शुक्रिया रजत आपका। आज सभी एनालिस्ट ने खरीदारी की सलाह दी है। सबसे पहले IDBI कैपिटल की राय देख लेते हैं। पहला बैंक इन्होंने चुना है कैनरा बैंक, जहां पर ये खरीदारी के लिए बेट कर रहे हैं। 326 के टारगेट्स देखते हैं, 311 का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। इनकी तरफ से जो दूसरी पिक आई है इंजीनियर्स इंडिया पर है, यहां पर भी BTST ट्रेड रिकमेंडेशन दी है 159 के टारगेट्स के लिए, 151.80 का हमें स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करना है। साथ ही मनीष शर्मा से भी हमने बातचीत की, उनकी पहली पिक खरीदारी के लिए पेट्रोनेट LNG है, जहां पर टारगेट्स उन्होंने बताया 435 के, नीचे में हमें स्टॉप लॉस 418 का रखना होगा। DCB बैंक इनकी अगली पिक है, जहां पर ये खरीदारी रेकमेंड कर रहे हैं 185 के टारगेट्स के लिए, सपोर्ट हमें लेना है 174 के लेवल्स पर। साथ ही निर्मल बैंक के नीरव छेड़ा ने भी हमसे बातचीत की और उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से जो दो पिक्स होंगी BTST के लिए, पहली बैंकिंग स्पेस से यूनियन बैंक रहेगी, टारगेट यहां पर 166 का देखते हैं, 154 का स्टॉप लॉस लगाने को कहा है। आखिरी पिक इनकी तरफ से IRB इंफ्रा है, जहां पर ये BTST ट्रेड रेकमेंड कर रहे हैं 250 के टारगेट्स के लिए, नीचे में सपोर्ट 232 के लेवल्स पर लेना होगा। ठीक है, ये कुछ एक कॉल्स जिसमें IRB इंफ्रा एक और सड़क बनाने वाली कंपनी। अब सड़क तो बन रही है लेकिन बनाएगा कौन? इंगरसोल लैंड, आप ये देख लीजिए शेयर, ये एक्चुअली वो इंजन बनाता है जिसको जिससे सड़क को प्लेन किया जाता है, वो भी इस समय दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। ये टिपिकली संजीव एक पॉकेट है इंफ्रा के अंदर ही, ये जो सड़क निर्माण वाली कंपनीज हैं। देखिए, सरकार बहुत कुछ कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये बात भी तय है कि प्रधानमंत्री कार्यालय थोड़ा सा नाराज है। वो कह रहे हैं कि सड़क बनाने का काम और तेज़ किया जाए। अगर आपको इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी भी लेनी है आप ले लीजिए आप, लेकिन काम बहुत तेज़ी से कीजिए। इसमें कुछ आपको वैल्यूएशन दिखती है, कुछ अच्छी कंपनीज नज़र आती हैं इस पर्टिकुलर स्पेस में जिनका यही बिजनेस हो सड़क बनाने का ही सिर्फ? नहीं, जैसे आपने कहा, एक तो IRB हो गई है, उस पर ऑलरेडी काफ़ी ऑर्डर बुक है और उसकी आगे उसकी जो पास्ट रिकॉर्ड है वो भी काफ़ी अच्छा है एग्जीक्यूशन का। आपने इंगरसोल रैंड कहा, इट्स द ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप स्टॉक, और वो मेरे को लगता है बिकॉज ऑफ द इक्विपमेंट सप्लाई और जो रोलर्स बनाती है, इट विल बी एडेड बेनिफिशरी। तो यही आपकी बात सही है कि आपको यहाँ पे पेडिग्री नाम लेने चाहिए। जैसे हमने अभी आपको पावर के लिए बताया था कि कमिंस, ABB, सीमन, ये सारे शेयर्स इन्होंने कई साल से कुछ ज़्यादा नहीं किया और अब उनका टाइम आ गया फॉर आउट परफॉर्मेंस, क्योंकि उनके मार्जिन क्रिएट करेंगे, उनकी डेट लो है, रिटर्न ऑन इक्विटी उस पर एक्सपैंड करेगा। तो रोड्स के लिए आई थिंक इंगरसोल रैंड जो आपने सजेस्ट किया बहुत अच्छा प्रॉक्सी है, और आगे जाते हुए आई थिंक दैट शुड ओनली गैदर ट्रैक्शन एज द ऑर्डर फ्लो एंड बिजनेस स्टार्ट्स टू पिक अप पेस। एलेम्बिक लिमिटेड को एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि दिन के उच्चतम स्तर पे है, 41-40 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग मूव है। 43 के लक्ष्य थोड़ी देर पहले मनीष ने दिया था, फाइनल बेट है ये जी बिजनेस की, 41-30 के लेवल पे तो पहुंच चुका है दिन के उच्चतम स्तर पे, यानी कि 4.5% की कमाई स्टॉक में अभी होती हुई नजर आई है, 5% ऊपर कुछ ही मिनटों में बहुत स्ट्रॉन्ग मुनाफा। कुछ और स्टॉक्स जो हलचल में है उसमें फिनोलेक्स केबल्स शामिल है और KPR मिल जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में मूव पॉजिटिव बनता हुआ नजर आया। मानस, एक बार ये स्ट्रक्चर देख के बताएं, फिनोलेक्स केबल्स और साथ साथ KPR मिल्स, बेहतर ट्रेड कौन सा है सर? देखिए, दोनों ही चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं। जहां तक बात KPR मिल्स की है, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स कंटिन्यूअसली देखने को मिल रहे हैं, 700 रुपए का एक अहम स्तर स्टॉक ने ब्रेक किया और अब मैं समझता हूँ कि 750-760 के टारगेट तय करने चाहिए।
देखिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग की मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी एक मूव आ चुका है। मैं समझता हूँ गिरावट जब स्टॉक में देखने को मिले 700 रुपए के आसपास अगर कोई गिरावट आए तो वहाँ खरीदारी करें और उस केस में स्टॉप लॉसेस 674 के नीचे लगाएं, टारगेट 760 और 770 के बीच में सेट करके चले। ठीक है, आज एक शेयर है मुथूट फाइनेंस, ये करीब करीब 20% के सर्किट पे आज लॉक हो रहा है। इसके अलावा कुछ एक और छोटे शेयर्स आप देख लीजिए, कोपरान ये ऑलमोस्ट 17% ऊपर है। एक और शेयर आपके सामने रखते हैं, उनका है निटको टाइल्स, ये करीब 11% ऊपर है। आर्चीज मालूम नहीं आज फिर से सर्किट पे लग गया, कल भी सर्किट पे था, ये भी आज अच्छा प्ले दे रहा है। इसके अलावा सारे गामा अब ये 8% ऊपर है, TRF 7% ऊपर। ये टिपिकली आज दिन, आज क्या कल और परसों भी हमने देखा जब बाजार का इंडेक्स कहीं ना कहीं मैनेज हो रहा था लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, बाइंग थी, कन्विक्शन बन जाता है तो और स्ट्रांग बाइंग आती है, लेकिन बाइंग दिन में देखने को मिल रही है। अच्छा जिमित एक चीज़ बताइए, GST को लेकर अपने क्लाइंट्स को कुछ आप रिकमेंडेशंस दे रहे हैं क्या, कुछ पोर्टफोलियो चर्निंग हो रही है क्योंकि धीरे धीरे डेट भी पास आ रही है और क्लैरिटी भी पास आ रही है कि हाँ 1 जुलाई को हो जाएगा, सरकार चरणबद्ध तरीके से कामकाज कर रही है। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ एक नए सेगमेंट को आप जोड़ेंगे GST बेनिफिशियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी आई थिंक जो 1 जुलाई का डेडलाइन है वो इंक्रीजिंगली क्लोजर दिख रहा है एंड सरकार की पूरी मेहनत है कि 1 जुलाई तक रोल आउट हो जाए और आई थिंक इफ़ एट ऑल वहाँ नहीं होता है तो आई थिंक लेटेस्ट बाय 1 सितंबर रोल आउट हो ही जाए। फ्रॉम ए अगर GST के बेनिफिशियरी पर्सपेक्टिव देखें तो GST का जो सबसे बड़ा थीम जो प्ले आउट हो रहा है फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव वो ये है कि आज तक जो सारी कंपनियाँ का इनपुट होता था एक प्रोडक्ट या और जो आउटपुट होता था या तो एक सर्विस और दो कन्फ्लिक्टिंग टैक्सेस थे एक स्टेट के और एक सेंटर के जिसमें इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता था उसके वजह से जो एंड कॉस्ट है उसका कैस्केडिंग इफेक्ट आता था। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें डिश टीवी तो जो सेट टॉप बॉक्स रहता था उस पर वैट लगता था अगर और जो सर्विस वो ऑफर करते थे उस पर सर्विस टैक्स लगता था इसका कोई इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता। इस टाइप की स्टोरीज GST में सिग्निफिकेंटली प्ले आउट होगी और ये सबसे बड़ी बेनिफिशरीज होगी तो इन्वेस्टर्स को ये टाइप की स्टोरीज देखनी चाहिए और जब ये स्टोरीज एक्चुअली मिलती है आई थिंक अगर कोई भी इन्वेस्टर फ्रॉम अ 2 to 3 ईयर परस्पेक्टिव ये GST थीम को लेके प्ले आउट करता है तो आई थिंक ये बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन हो सकता है अगले 2-3 साल में। चलिए जो फाइनल बिट जी बिजनेस पे दी गई मनीष ने दिया आज तो 42-30 के लेवल पे पहुंच चुके, दिन का उच्चतम सर्च 8% की तेजी, 43 का लक्ष्य है, इसको रडार पर रख सकते हैं अभी भी। IP के आंकड़े क्रूशल होंगे जो कि कल के सेशन बंद होने के बाद आएंगे लेकिन जो इस बार अनुमान है फरवरी में IP में कमजोरी संभव है, आंकड़ा है 1.4% जो एक्सपेक्टेड है, 2.7% जनवरी में IP ग्रोथ देखने को मिली थी, अगर इसको सालाना बेसिस पे भी कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 2016 में IP ग्रोथ 2.1% रही थी, अब ये गिरावट आएगी क्यों, वो इसलिए क्योंकि कोर सेक्टर की जो ग्रोथ है उसमें धीमापन देखने को मिला है, 3.4% से घटकर 1% रही है और 38% का योगदान वो IP में रखती है। संजीव आप दो सेक्टर में आपसे पूछूंगा, एक तो कैपिटल गुड्स बहुत वोलेटाइल मूवमेंट्स देखने को मिले जब भी IP का आंकड़ा आता है, मेरी अक्सर आपसे बात होती है कैपिटल गुड्स में उतार चढ़ाव बहुत हैवी देखने को मिलता है IP के आंकड़ों में, और दूसरा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खासतौर से जो AC मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं रेफ्रिजरेटर कंपनियां भविष्य इस बार तो अच्छा लग रहा है गर्मियों के चलते, तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और साथ साथ कैपिटल गुड्स की ग्रोथ कैसे देखते हैं आप? नहीं ये एक बहुत अच्छा सेक्टर होएगा, देर इज लार्ज कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है और अभी लग रहा है कि रीमोनेटाइजेशन स्ट्रोक कंजम्पशन लेट डिमांड और थर्डली वेदर की जो अनामली है ये सब अच्छा प्ले आउट करेगा। साथ में आप ये लेके चलिए कि इन्वेंट्री लेवल्स अब लो हो गए हैं और ग्लोबली एक बहुत अच्छी कमोडिटी रैली है तो इन्वेंट्री रीस्टॉकिंग एक रीबिल्डिंग साइकिल है जिससे कैपिटल इक्विपमेंट का काफ़ी दारोमदार होता है वेदर इट्स पावर इंफ्रा और एनी ऑफ द मेटल साइड और हमें लगता है वहाँ पर ये दोनों क्षेत्र में बहुत अच्छा रुझान आएगा। दे आर नॉट चीप स्टॉक्स क्योंकि उनके जो प्रीमियम स्टॉक्स हैं जैसे LNT है या ABB सीमेंस है वो ऑलरेडी काफ़ी वैल्यूएशन पे है, हमने वोल्टास और ब्लू स्टार बहुत जोर से रिकमेंड किया था, दे ऑलरेडी मूव्ड अप क्वाइट सब्सटेंशियली फ्रॉम आर प्राइस, हम अभी भी सोचते हैं कोई डिक्लाइन आए तो मिले क्योंकि ये एक अच्छी ब्रांड्स हैं और इनमें रीयूटिलाइजेशन प्रोसेस और कंजम्पशन डिलेक्ट डिमांड में इनमें मोर देन एक्सपेक्टेड डबल डिजिट्स में भी आपको ग्रोथ दिखेगी इन द नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स। ठीक है,
विवेक एक शेयर देखिए, कोठारी पेट्रो, हमने कल भी डिस्कस किया था, इनफैक्ट कल और आज में ना इसमें वॉल्यूम अच्छा आ गया, कल 1 लाख प्लस था, आज करीब करीब 90,000 से ऊपर का वॉल्यूम है। ये 30 रुपये का टारगेट रख के इसमें कुछ कॉल्स ले सकते हैं 22-24 का स्टॉप लॉस, क्योंकि कुछ रीस्ट्रक्चरिंग की खबरें आ रही हैं, हालांकि है सारी सोर्स बेस्ड, लेकिन 30 रुपये का टारगेट रख लें क्या इसमें? देखिए ओवरऑल स्टॉक को देखें तो 20 रुपये से लेकर 24 रुपये की रेंज में काफ़ी टाइम ट्रेड होने के बाद 24 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला है। मुझे लगता है 28 से 29 रुपये तक का अपसाइड इसमें ओपन है, 30 रुपये तक थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि 29 से 28 की रेंज में काफ़ी रेजिस्टेंस है, तो 28 रुपये के टारगेट के लिए डेफिनेटली यहाँ पर बाइंग की जा सकती है।